नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएफ विड्रॉल के बारे में। तो दोस्तों अगर आपका भी एक पीएफ अकाउंट है और आप पैसे निकालना चाहते हैं लेकिन आपको मालूम नहीं है कि किस तरह से पीएफ के लिए अप्लाई करना चाहिए, तो आज मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से पीएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने स्मार्टफोन से ही अपने पीएफ के लिए विड्रॉल के लिए ऑनलाइन आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों तो अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो पर बने रहें और वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ जाना है और मोबाइल में आपको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको EPF टाइप कर देना है, जैसे कि मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ। जैसे ही आप EPF टाइप करेंगे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ये वाला EPFO, आपको इस पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद में आप देखेंगे आपको पहला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। अब आपको सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर ये तीन जो लाइन बूंदी दिख रही है इस पर क्लिक करके इसे डेस्कटॉप साइट कर देना है। तो चलिए डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर देते हैं, तब ये कंप्यूटर के जैसा आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगा। तो चलिए इसे डेस्कटॉप साइट कर दिया। और अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर आपको KYC अपडेट का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ पर आपको अपना UN नंबर डालना है और यहाँ पर आपका पासवर्ड आएगा और नीचे एक कैप्चर टाइप करना है। तो चलिए मैं कैप्चर को टाइप करके आपको दिखाता हूँ। फिर इस तरह से आपको यहाँ पर कैप्चर टाइप कर देना है और उसके बाद में आपको साइन इन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। तो जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये इस तरह का नया पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि कंप्यूटर में आपको दिखाई देगा वैसा ही आपके मोबाइल फ़ोन में ये दिखाई दे रहा है, सेम आपको इसी तरह से दिखाई देगा। आप डेस्कटॉप साइट कर लेंगे तो इसी तरह से ये ओपन होगा। तो अब आपको यहाँ पर पहले चेक कर लेना है आपने जो KYC की है कम्प्लीट है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब कुछ वेरीफाइड है जो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है डॉक्यूमेंट्स। तो अब बात करते हैं आपको PF विड्रॉ करना है तो क्या करना होगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऊपर, आप देख सकते हैं ऑनलाइन सर्विस, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, क्लेम फॉर्म 31, तो आपको इस फॉर्म पर क्लिक कर देना है, सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इस तरह से आपके सामने ये एक नया पेज ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और अब आपको यहाँ पर चेक कर लेना है आपका नाम, अकाउंट नंबर, ये सब डिटेल। और दूसरी बात ये आपको देखना है कि आपकी एग्जिट डेट यहाँ पर डाल दी है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एग्जिट डेट है, जब एग्जिट डेट आपकी डाल देंगे तो यहाँ पर इस तरह से शो हो जाएगी आपकी डेट। ये देखिए ये ज्वाइनिंग डेट है और ये एग्ज़िट डेट है। और उसके बाद में यहाँ पर ये रीज़न डालना है, जो भी रीज़न है निकालने का, काम छोड़ने का, ये सब अब ओके है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब अप्लाई करने के लिए सबसे पहले करना क्या होगा, आपको यहाँ पर आपका जो अकाउंट नंबर है उसके चार लास्ट के डिजिट जो नंबर हैं अकाउंट के, वो चार नंबर आपको लास्ट वाले यहाँ पर डालने हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर डाल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अकाउंट नंबर डाल दिया है, और अब आपको करना क्या है, वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ये जो वेरीफाई का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से एक पेज ओपन होगा। और अब आपको यहाँ पर करना क्या है, ये जो नीचे एस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है एस कर देना है आपको,
चलिए यस कर देते हैं, करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आपका अकाउंट नंबर वेरीफाई हो जाएगा, टिक लग जाएगा, यहाँ पर ग्रीन मार्क आ जाएगा। और यहाँ नीचे देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ से पहले एक बार विड्रॉल किया हुआ है, फिर भी मैं आपको एक बार यहाँ पर क्लिक करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपको करना है। आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है, मैं आपको यहाँ पर क्लिक करके दिखा देता हूँ, देखते हैं चलिए यहाँ पर क्या ओपन होता है क्लिक करने के बाद, शायद हो नहीं होगा मेरा। तो देखिए मैंने यहाँ से पहले ही एक बार पैसा निकाला हुआ है तो ये नहीं दिखा रहा है, और आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा नहीं दिखाई देगा। मैंने एक बार विड्रॉ कर लिया है इसलिए ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। आप जब क्लिक करेंगे तो आपको एक साइड में यहाँ पर नीचे एक नया पेज आ जाएगा, उसमें आपको अपनी डिटेल डालनी है, जैसे कि आपका एड्रेस डालना है, और आप जो एड्रेस आपने दिया है वो एड्रेस डालना है, और आपका जो बैंक अकाउंट है उसका फ़ोटो, बैंक अकाउंट जो की जो पासबुक है उसका फ़ोटो एक ले करके वहाँ पर अपलोड करना है, और सारी डिटेल भरने के बाद आपको फिर फॉर्म को सबमिट कर देना है। इतना ही आपको करना है, उसके बाद में 10 से 15 दिन लगेंगे, मैक्सिमम 10 नहीं लेकिन 15 दिन आपको लग जाएंगे पैसे आने में, आपका जो प्रोसेस है कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आप पीएफ के लिए ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। सॉरी मैं आपको पूरा प्रोसेस नहीं दिखा पाया, इसके लिए सॉरी, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया आप अगर करेंगे तो 100% आपका सक्सेस हो जाएगा। आपको कोई डरने की बात नहीं, वहाँ पर आपको फॉर्म 31 दिखाई देगा, वो सब कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तब भी आप अपना पैसा निकाल सकते हैं, 50,000 के नीचे आपको पैन कार्ड की ज़रूरत नहीं है, ये भी आप ध्यान में रखें। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप अपनी पेंशन भी निकालना चाहते हैं तो आपको दो बार अप्लाई करना होगा, पहले आप पीएफ के लिए अप्लाई कीजिए, बाद में आप पेंशन के लिए तुरंत अप्लाई कर दीजिए। आपके दो बार आपको अप्लाई करना होगा, तुरंत एक फॉर्म भरने के बाद फिर से आप बैक करके फिर आपको एक बार पेंशन के लिए अप्लाई करना है, तो दो बार आप जब कर देंगे तो आपका दोनों पैसा आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए, आपको ये जानकारी अगर पसंद आई तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आपको पीएफ से जुड़ी कोई भी परेशानी आ रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही, तो मैं आपको इससे भी अच्छी वीडियो बना के देने की कोशिश करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए दोस्तों। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह की जानकारी मैं आप सभी के लिए लेकर के आता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।